आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं कि जब परमेश्वर जानता था कि आदम और हवा पाप करेगा तो उसे रोका क्यों नहीं। यूहन्ना 1:1 आयात के अनुसार परमेश्वर ने पूरे जगत को अपने वचन के अनुसार बनाया। अपने वचन के द्वारा ही उसने कहा, उजियाला हो तो उजियाला हो गया। आकाश की पक्षियाँ, समुद्र की मछलियाँ, भांति भांति के समुद्री जीव और जमीन में रहने वाले तमाम जीव जंतु को अपने वचन के अनुसार बनाया। पर क्या आप जानते हैं, परमेश्वर ने आदम और हवा को वचन के अनुसार नहीं पर भूमि की मिट्टी में अपने हाथों से बनाया। इसलिए संपूर्ण कायनात एवं पूरा ब्रह्मांड तो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, मगर आज मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को टाल देता है क्योंकि मनुष्य को बड़े प्रेम और स्वतंत्रता के साथ बनाया गया है। उत्पत्ति 2:16 वचन के अनुसार परमेश्वर ने आदम को पहला अपना वचन दिया, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना और तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, स्वर्ग की न धरती की न जीव जंतु की। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान को जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यह वचन परमेश्वर ने प्रथम पुरुष अर्थात फर्स्ट मैन आदम को दिया। और जब परमेश्वर ने पहली स्त्री हवा को बनाने के लिए सोचा तो आदम को गहरी नींद में डाल दिया और दुनिया का सबसे पहला ऑपरेशन किया, आदम की पसली निकाल कर। और क्या आप जानते हैं, परमेश्वर ने आदम की पसली को आदम से दूर ले जाकर एक सुंदर स्त्री बना दिया। और परमेश्वर ने उस स्त्री से कहा, देख मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना। यह आज्ञा देकर स्त्री को आदम के पास लाया। और क्या आप इस भेद को जानते हैं कि आदम ने उस स्त्री को देखते ही कैसे पहचान लिया कि यह मेरे शरीर में से निकाली गई है। क्योंकि जिस वक्त आदम की हड्डी को निकाल रहा था उस वक्त तो आदम बेहोश था। वह इसलिए जान पाया क्योंकि वह शरीर प्राण आत्मा से बना है। आदम का सिर्फ शरीर बेहोश था मगर प्राण और आत्मा नहीं। जिस प्रकार आज कोई व्यक्ति बेहोश होता है तो उसकी शरीर बस बेहोश होता है, श्वास लेना और दिमाग का चलना बेहोश नहीं होता। और इस भेद को समझने के लिए इस वीडियो के अंत में शरीर प्राण आत्मा वाला वीडियो आएगा, उस वचन को उस वीडियो को जरूर देखें। अतः हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया और हवा को भी आज्ञा दिया, और इन दोनों को बनाते और आज्ञा देते समय स्वयं प्रभु यीशु मसीह यहोवा उसके सामने था ताकि वो दोनों परमेश्वर को पहचान ले और सदा परमेश्वर में बना रहे। इसलिए आज जितने मजबूत विश्वासी बिलीवर्स हैं, पास्टर हैं, सेवक हैं, वह परमेश्वर को प्रथम स्थान में रखते हैं। क्या आप यह जानते हैं, शैतान आदम को गुमराह नहीं कर पाया क्योंकि वह परमेश्वर के स्वरूप में था और धरती का मुख्य अधिकारी था, मगर उसकी पत्नी चंचल थी, इधर उधर घूम घूम कर चलने वाली, इधर उधर मंडराने वाली थी, इधर हर एक भांति भांति पेड़ में हर एक जीव जंतु के पास वो जाया करती थी। जब शैतान ने ऐसा अवसर पाया तब वह उसे फल खिलवाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। वो फल भले और बुरे ज्ञान का फल था और कुछ ही दिनों में स्त्री ने वो फल आखिर खा ही लिया और शैतान उसे इतना गुमराह किया कि वो उस फल को देखने लगी, महसूस करने लगी और निश्चय उस फल को देखा और कहा कि यह बुद्धि देने में और खाने में चाहने योग्य है, और वह उस फल को खा ली। यह सब घटना परमेश्वर देख रहा था और जानता भी था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए आदम और हवा को पहले से रोकने के लिए, जी हाँ आप सब ने सही सुना, आदम और हवा को पाप करने, उस फल को खाने के रोकने के लिए परमेश्वर ने अपनी वचन दे दिया था, जो था आपने सुना
आदम और हवा को आज्ञा दिया, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना और उस अदन की वाटिका का सब वृक्ष को खाना, लेकिन भले बुरे ज्ञान के वृक्ष को न खाना। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा पहले से जानता था कि आदम हवा पाप करेगा, इसलिए उसे रोकने के लिए पहले से ही से आदम और हवा को चेतावनी वचन दे दिया था, मगर वो लोग उसके वचनों को ना माना। आज भी आप में से बहुत से लोग उसके वचन को नहीं मानते। जब आप कोई पाप करते हैं, चाहे नशा हो, मारपीट हो, व्यभिचार हो या कुछ भी, परमेश्वर आपको प्रकट रूप में आकर नहीं कहता कि ऐसा ना कर, ऐसा पाप मत कर। हाँ, मगर आपको पहले से वचन से रोका गया है। पहले ही से परमेश्वर ने आदि से जो वचन था, वही वचन परमेश्वर ने शुरू से सब विश्वासियों के लिए, धरती के लिए, ब्रह्मांड के लिए पहले से ही से वचन दे दिया है कि आपको कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे किससे बात करना है, कैसे किससे व्यवहार करना है। ये सारी वचनों को परमेश्वर आदि से दे दिया है। परमेश्वर ने बाइबल में अपने वचनों को पहले से भेद भरी बातों के द्वारा और दृष्टांत में और प्रकट रूप में सारे तरीकों से अपने वचनों को आपको और हमको दे दिया है। अब यह आपके ऊपर में है कि आप हवा की तरह उसके बात को नज़रअंदाज करेंगे कि उसके बात को माने या ना माने, क्योंकि हवा तो उसके बातों को नज़रअंदाज करके उस फल को खा लिया और परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ी हो गई, जबकि परमेश्वर ने उसे रोकने के लिए पहले से मना कर दिया था कि उस फल को ना खाना। वो पहले से जान चुका था कि शैतान गुमराहित करेगा और उसको फल को खिलवाएगी, लेकिन तू सावधान रहना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और हमको और पहले इंसान को स्वतंत्र बनाया था। वो अपने परमेश्वर अपने दबाव को, अपने हुकुम को ज़बरदस्ती मनुष्य को थोपने के लिए नहीं बनाया है, मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है कि हम परमेश्वर की इच्छाओं को अपने इच्छा के अनुसार मानते हैं कि नहीं मानते हैं। इसलिए आज बहुत से लोग उसकी इच्छाओं को नहीं मानते और कहते हैं मेरा मर्जी, मैं कुछ भी करूं, मैं कहीं आऊं, कहीं जाऊं, मैं अपने मन का मालिक हूं करके। लेकिन सचमुच में आप अपने मन के मालिक नहीं हैं, परमेश्वर ही मालिक हैं। उसी ने पहला ही आदमी और पहला स्त्री को बनाते हुए कहा कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूं करके। अतः यह आपके ऊपर में है कि आप उसकी आज्ञाओं को माने या ना माने, पर हमारा तो सिर्फ इतना है कि हम इन सत्य वचन को आप तक पहुँचाएँ। निश्चय आप सब जाने होंगे कि परमेश्वर ने आदम हवा को रोकने के लिए पहले ही से चेतावनी दे दिया था। आप लोगों को भी पाप करने के लिए पहले से चेतावनी दे दिया है परमेश्वर, पाप को करने या ना करने के विषय में। धरती के विषय भी परमेश्वर पहले से चेतावनी दे दिया है कि धरती पर वायरस आएगा, प्रलय आएगा और हर एक चीज़ धरती पर घटेगी और 666 भी आएगा। इस सारी बातों को परमेश्वर ने आपको दे दिया। अब आप माने तो भला और नहीं माने तो आप अपने करने का दंड आप खुद पाएंगे। निश्चय इस वीडियो के द्वारा आपको उचित जानकारी मिला होगा और आप इस चैनल पर बने रहे। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह की जय।